नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी रहंगाले आप सभी का स्वागत करती हूँ इन्फॉर्मेशन सेंटर चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ एमपी डिस्ट्रिक्ट जीके सीरीज के 13वें एपिसोड में राजगढ़ जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आते हैं पिछले एपिसोड के सवाल पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले मौजूद हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया था यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिले मौजूद हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जहां पर 52 जिले हैं, और फिर बिहार। तो दोस्तों, ये तो थी सबसे ज्यादा जिलों वाली बात। अब ये बताइए किस राज्य में सबसे कम जिले हैं, क्या वह गोवा है? दोस्तों, गोवा में 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, इनमें 1 जिले हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं राजगढ़ जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1948 में गठित किया गया था। राजगढ़ जिला भोपाल संभाग में आता है। राजगढ़ जिला नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। राजगढ़ जिले के अंतर्गत 7 तहसील आती हैं। राजगढ़ जिला अपने किलों, महलों और मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। तोता अभयारण्य राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। राजगढ़ को महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर बसाया था। वर्ष 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला भारत का प्रथम जिला राजगढ़ हुआ। राजगढ़ जिला राजगढ़ व्यावरा के नाम से भी जाना जाता है। व्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला क्षेत्र राजगढ़ है। राजगढ़ जिला मालवा पठार के उत्तरी छोर पर पार्वती नदी के पास स्थित है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के ग्राम पंचायत गिन्नौरगढ़ क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां विश्व के तीसरे व मध्य प्रदेश का दूसरा पशुपतिनाथ मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का विशाल मेला लगता है। दोस्तों, मैंने पशुपतिनाथ मंदिर की बात की, तो आप ये बताइए कि विश्व का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जिन्होंने मेरे पिछले एपिसोड ध्यान से देखे होंगे वो उसका सही जवाब दे देंगे। हिंट के लिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। उम्मीद है आप सब इसका सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, राजगढ़ नगर में मान्यतागढ़ का विश्व विख्यात भागनावेश किला है, जिसका नामकरण चंदेलों की कुल देवी मान्या देवी के नाम पर रखा गया था। राजगढ़ जिले में राजराजेश्वर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और नरसिंह मंदिर स्थित है। राजगढ़ जिले में चीड़ीखो झील को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। 1978 में स्थापित वन्य जीव अभयारण्य के मध्य चीड़ीखो झील स्थित है। नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीरे मालवा कहा जाता है। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में से जबलपुर, जयपुर राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग नेशनल हाईवे 12 गुजरता है। किन्नौरगढ़ का किला उदय वर्मन द्वारा निर्माण कराया गया था, जो तोतों के लिए प्रसिद्ध है। श्यामजी का प्रसिद्ध मंदिर राजा संग्राम सिंह की पत्नी भाग्यवती द्वारा 16वीं व 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। श्यामजी का मेला राजगढ़ जिले में लगता है। तो ये थी राजगढ़ जिले की कुछ प्रमुख जानकारियाँ। अब आते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। आज का आसान से सवाल है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है? और इसके साथ ये भी बताइए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब इसका सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक नए जिले के साथ और इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।